ये एम्प्लॉय है वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर 5 लड़के और 4 लड़कियाँ काम करती थी। सभी को जब पुलिस आई सभी को पकड़ कर करके अंदर कर दिया। एलिगेशन है कि 200 रुपया लेके रजिस्ट्रेशन, वो सब हम देख चुके हैं। तो आप आपका डिफेंस क्या है कि क्यों, ये जानते हुए कि चीटिंग इतना बड़ा चल रहा है, आप उसमें क्यों काम कर रहे थे, सुपरवाइजर थे? हमको हुजूर ये नहीं ना पता था। कैसे पता नहीं था? आप सुपरवाइजर हैं, लोगों को जो नौकरी देने के नाम पर बुलाया जा रहा है, ठगी का धंधा किया जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आया? पढ़े लिखे ठग हैं आप। पेपर में आया था कि हाँ, तो हम भी गए थे वहाँ पर हुजूर, और एक भी मतलब कंप्लेनेंट नहीं आया है सामने में, जो कोई कंप्लेन किया हो कि हमारा पैसा ये हो गया। पूरे इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट, और पूरे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है कंप्लेनेंट, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? विकास कुमार सिन्हा बोल रहा है कि हम एम्प्लॉय थे और हमारा रोल नहीं है, हम खुद दुखी इंसान है, हम नौकरी कर रहे हैं। सारे आदमी सर, एक ऑफिस छोटा सा, उसी में सारे आदमी रह के सबको गाइड करते रहते थे सर। ये मैनेजर थे सर, विकास कुमार सिन्हा मैनेजर थे। तो ये नौकरी करते थे कि ये मिले हुए थे, सब एक साथ ही काम कर रहे थे? सब काम कर रहे थे, उन्हीं के बताए हुए थे पे काम। और वो मिश्रा मिला कि नहीं? मिश्रा सर लेट किए थे सर, छत पर से कूद के नीचे भाग गया सर। पैर वैर नहीं टूटा उसका? तो आप कब पकड़ेंगे उसको, मिश्रा को? तो सर यहाँ से कहाँ हम जो डेरा लेकर रहता था ना। हाँ, परमानेंट रेजिडेंस कहाँ है उसका? 82 83 क्या हुआ? 83 नहीं सुपरविजर में सर, उसमें 41 का दे दिए सर, एक 41 का दे दिए। उसमें 467 ये सब नहीं लगाते हैं आप लोग? फोर्जरी भी तो करते हैं ये लोग, तो क्यों नहीं आप ऐड कर देते हैं वो सेक्शन? आप जरा एग्जामिन करिए, और अगर हो सके तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए एडिशन। 41 नहीं मिलेगा, अगर 41 मिलता है तो उसको नोटिस कीजिए, नोटिस पे अगर नहीं आता है तो फिर अरेस्ट करिए।